Hello friends, Sutra Academy Signs In, and today we are going to present parts of speech part 2, and the topic is pronouns and their types. First of all, we need to understand the term pronouns. It is something related to nouns. And what is noun? All naming words are noun, and what is pronoun. Those words which are used in the place of nouns are pronouns. वो शब्द जो नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं पर इनकी ज़रूरत क्या है क्यों न ना हम नाउन को ही बार बार यूज करते रहें और प्रोनाउन्स की ज़रूरत ही ना पड़े इसका रीज़न अगली लाइन में है द पर्पज ऑफ प्रोनाउंस इज टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेक सेंटेंसेस ईजियर टू अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए जैसे राम सो के उठा राम बाजार गया राम बाजार से वापस आया राम सो गया राम ने खाना खाया अब आप देखेंगे ये राम बार बार आ रहा है ठीक है तो उस राम को रिप्लेस करके उसकी जगह हम जो भी शब्द लगाते हैं वो प्रोनाउन है क्यों क्योंकि नाउन के जगह पर जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं ठीक है और ये क्या काम करता है ये रेपिटेशन को रोकता है ठीक है मनोटनस को रोकता है एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना हो और हमें इजीली सेंटेंस अंडरस्टैंड हो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं फॉर इंस्टांस मीन्स फॉर एग्जाम्पल ही शी इट देस दैट दीस दोज आय यू एंड सो ऑन इस तरह के जो आप वर्ड्स देखेंगे ये किसी के नाम नहीं है ही किसी का नाम नहीं होता दैट किसी का नाम नहीं होता ठीक है तो ये किसी का नाम नहीं है हाँ उनके नाम के जगह हम इसको यूज़ करते हैं तो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन्स ठीक है अब हम जानेंगे वॉट आर दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स वैसे नाउ प्रोनाउन्स के टेन टू ट्वेल्व टाइप्स होते हैं टोटल लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको सेवन पार्ट में ही मैं सारे के सारे प्रोनाउंस के टाइप करवाऊंगा चलिए पहला हम लोग प्रोनाउन देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस नाम से ही पता चलता है व्यक्तिवाचक पर्सनल किसी पर्सन से रिलेटेड दीज रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर थिंग उसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें रेफर करना चाहें तो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं दे आर फॉर्म चेंजेस टू इंडिकेट ए पर्सन नंबर जेंडर एंड केस इनके फॉर्म्स भी चेंज होते हैं यानी कि इनके यूसेज हम सेम वर्ड का यूसेज हर तरह के सेंटेंस में नहीं कर सकते हम उनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली ठीक है अब वो किस किस कंडीशन में चेंज किया जाता है इसके लिए हमें जानना होगा वॉट आर दी सब डिविजन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स ठीक है पर्सनल प्रोनाउन के सब डिविजन्स देखते हैं ये तीन तरह के आपके सब डिविजन्स होते हैं फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस यानी वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो और स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर करें तो उसे हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं द प्रोनाउंस दैट एक्ट एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए ठीक है यानी डूअर ऑफ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल आई यू शी ही इट ये सारे जो हैं ये आपके पर्सनल सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं जैसे मैं कहता हूं आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे मैं कल कॉलेज गया था तो आई कहां पर है आप देखें ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है सब्जेक्ट की प्लेस पे आया इसका मतलब है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ नेक्स्ट शी इज ए गुड डांसर वो एक अच्छी डांसर है तो शी सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ इसी तरह आप सभी के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं सेकेंड है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस अब इससे पता चलता है जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पर्सनल प्रोनाउन आए तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं इन्हीं के फॉर्म चेंज हो जाते हैं मी यू हर हिम एट अस यू डैम तो इसमें यह सारे चेंज होते हैं और ये लास्ट में आते हैं सेंटेंस के इसीलिए हम इनको ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसका यूज देखेंगे सेंटेंस में द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी टू स्लो डाउन इसमें मी वर्ड पर आप फोकस करें टू स्लो डाउन को हटा देते हैं द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी ठीक है यहां पर मी जो है ये ऑब्जेक्ट का काम का 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 कर रहा है ये टू स्लो डाउन क्या है फिर क्या ये भी सब्जेक्ट क्या ये भी ऑब्जेक्ट है नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ मी ऑब्जेक्ट है टू स्लो डाउन जो है वो एडजेक्टिव का काम का 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 कर रही है एंड में आके हालांकि वो पोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट की ही पोजिशन है तो यहाँ पर हमें फोकस करना है सिर्फ प्रोनाउंस पे तो हम इस पर फोकस करेंगे मी यहाँ पे हम आय नहीं लगाएंगे ठीक है क्योंकि आय सब्जेक्ट की जगह यूज होगा और अगर उसी वर्ड को हमें ऑब्जेक्ट पे यूज़ करना है तो मी का यूज़ करेंगे जिस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऐसे यूज करते हैं दे का देम वी का अस आय का मी ठीक है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्लेस कहलाते हैं एक और एग्जाम्पल इसका लिखा है आई गेव ए पेन टू हिम अब इसमें हिम आप देखें अब यहाँ पर ही नहीं लिखा यहाँ पर हिम यूज हुआ है आप समझ गए होंगे क्यों दो तरह के हमने पार्ट किए तीसरा पर्सनल प्रोनाउंस का जो पार्ट है वो है पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस ये क्या है द प्रोनाउंस दैट शो पोजेसन पोजेशन दिखाता है यानी अपनापन दिखाता है किसी चीज पर अपना हक दिखाता है ठीक है इसको आप डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझें यूज इन सेंटेंसेस वाले पार्ट पे आएंगे इज दिस बुक योर्स और हेज देखो हेज यानी उसकी बुक है योर्स या तुम्हारी बुक है तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इस पे हक जताया जा रहा है ठीक है ऑल द बुक्स आर माइन सारी सारी की सारी बुक मेरी हैं इस पे अपना हक दिखाया जा रहा है तो ये पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बताते हैं मान लो मेरे पास में एक चेयर रखी है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई चेयर एक से ज्यादा चेयर्स हैं तो मैं कहूंगा दीज आर माई चेयर्स वही एक चेयर अगर दूर रखी है तो मैं कहूँगा दैट इज माई चेयर और एक से ज्यादा रखी है तो मैं कहूंगा दोज आर माई चेयर्स अब आप किन वर्ड्स पे ध्यान देने वाले हैं आपके समझ में आया होगा दिस दैट दीज एंड दो ये चार तरह के जो प्रोनाउंस हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि इसमें हम ना तो किसी चीज का नाम बोलते हैं ना ही हम किसी पर्सन का नाम बोलते हैं हम हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी और टर्म से और ये किस जगह पर हैं सब्जेक्ट की जगह पर हैं यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह नाउन की जगह यूज हो रहे हैं इसीलिए ये क्या है प्रोनाउन्स हैं ये भी बहुत सिंपल है इसके एग्जाम्पल देखेंगे दिस इज माई वर्क ये मेरा काम है दोज आर माई फ्रेंड वो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए ठीक है दोज आर माई फ्रेंड्स वो मेरे दोस्त हैं मित्र हैं ठीक है फिर दो पार्ट दो टाइप हमने कंप्लीट किया अब हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ये साफ पता चलता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जिनसे किसी क्वेश्चन के होने का पता चले यानी कि कुछ पूछा जा रहा हो यानी जिसका आंसर देना जरूरी है जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे माय नेम इज दिस मेरा नाम है ये तो अब इसका आंसर चाहिए इसीलिए ये इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेट वर्ड पुलिस में भी यूज होता है पुलिस ऑफिशियल्स अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो उसको इंटेरोगेट करते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं उससे ठीक है इंटेरोगेट का डायरेक्ट मतलब है क्वेश्चन करना इसको सेंटेंस में देखेंगे इज बेस्ट रेस्टोरेंट सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है तो इसका आंसर देने की जरूरत पड़ेगी ना क्योंकि इस पे क्वेश्चन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ये ध्यान रखना है आपको वॉट ही टेल यू उसने आपको क्या बताया ठीक है तो इसमें भी आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है अब कौन से कौन से वर्ड्स हैं जो हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बताते हैं वो हैं हु हुम विच वॉट इसके अलावा और भी हैं वैन ठीक है when, ये भी आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही है हाउ ठीक है ये भी इंटेरोगेटिव ठीक है अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस देखें आप रिलेटिव का मतलब है जो किसी से रिलेटेड हो ठीक है अब इसमें कैसे ये पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं दीज आर यूज टू लिंक वन फ्रेज और क्लाउज टू अनदर फ्रेज और क्लाउज देखो एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ना एक फ्रेज को दूसरे क्लाउज से जोड़ना या दो क्लाउजेस को जोड़ना या सेंटेंसेस को जोड़ना ये रिलेटिव प्रोनाउंस काम करते हैं अब ये कैसे करते हैं डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं ठीक है आपको रीड पूरा करना है और आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिख भी लें इसको वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ और मीनिंग आपको क्लियर होना जरूरी है यूज इन सेंटेंसेस हु एवर एडेट द बिल मेड ए मिस्टेक अब इसमें दो बातें कही जा रही हैं कि, कि किसी ने एक तो बिल बनाया और उसमें एक गलती कर दी ठीक है दो सेंटेंस है अब हुए एवर एडेड द बिल मेड ए मिस्टेक जिसने भी ये बिल बनाया उसने गलती कर दी ठीक है अब आप देख रहे हैं इसमें हमारे को दो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है ठीक है और दो अलग अलग सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है हमने एक ही सेंटेंस में सब क्लियर कर दिया हु एवर से यानी जिसने भी ठीक है या जो भी नेक्स्ट है द वेटर हु सर्वड अस डेंट नो हाउ टू एड अब आप देखें इसको कि जिस वेटर ने हमें सर्व किया उसको ऐड करने नहीं आता था ठीक है यानी उसको कोई चीज़ बताने नहीं आती या कुछ चीज़ देने नहीं आती अब इसमें दो सेंटेंस क्या है कि वेटर जो हमें सर्व कर रहा था दूसरी बात उसे कुछ नहीं आता था कहने का मतलब ठीक है तो अब दो सेंटेंस को हमने एक ही साथ मर्ज कर दिया इसमें हमने क्या यूज़ किया हु आप देखें हु यूज़ हुआ है यहां पर हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन से तो इस तरह से हमने फोर्थ अपने टाइप्स कंप्लीट किए हैं फिफ्थ टाइप पे देखेंगे इनडेफिनिट अब ये इनडेफिनेट से पता चलता है जिसका पक्का ना हो पहचान में तो आए कुछ है मतलब कुछ तो है पर कितना है वो हमें समझ में नहीं आता ठीक है दीज रेफर टू एन आइडेंटिफिएबल बट नॉट स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड मतलब पक्का होना श्योर होना ठीक है श्योर नहीं है पर्सन और थिंग कोई भी पर्सन या थिंग का श्योर ना हो पता तो चले कि कुछ है ठीक है जैसे सम फ्यू मैनी नो बडी इस तरह के जो हैं वर्ड्स वो सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं एन इनडेफिनेट प्रोनाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ ऑल एनी नन और सम या तो पूरा या तो कोई एक या तो कोई भी नहीं या फिर कुछ इस तरह की जो जो आइडिया का पता चलता है जिससे हमें जिन वर्ड से उन वर्ड्स को हम इनडेफिनेट कहते हैं ठीक है अब इसको सेंटेंस में देखेंगे एवरीबडी गॉड लॉस्ट ऑन द वे देयर सब के सब जो थे यानी सारे आ गए इसके अंदर सब के सब जो थे उन्होंने अपना रास्ता खो दिया नो वंडर सो फ्यू शोड अप इसमें देखते हैं इन तरह इन तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसमें अब नो वंडर सो फ्यू शोडअप फ्यू पर आप इस पर जोर डालेंगे फ्यू का मतलब है कुछ ठीक है कुछ लोगों ने दर्शाया कुछ लोगों ने बताया अब इसमें हमने किन बातों पर ध्यान दिया या तो फिर सारे के सारे या फिर कोई भी नहीं या फिर कोई एक और या फिर कुछ फ्यू का मतलब क्या होता है कुछ हार्डली एनी ठीक है हार्डली एनी का मतलब है फ्यू मतलब बहुत ही कम ठीक है तो इस ये भी क्या है आपका प्रोनाउन है ये किसी का नाम नहीं है और ये इनडेफिनिट है क्योंकि इससे हमें नंबर का पता नहीं चलता लास्ट जो हम लोग प्रोनाउन करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिव प्रोनाउंस दीज आर यूज टू एम्फेसाइज देअर एंटीसीडेंट इंटेंसिव प्रोनाउंस आर आइडेंटिकल इन फॉर्म टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अब आप इसको देखेंगे रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव ठीक है ये ये कैसे होते हैं हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं योर सेल्फ माई सेल्फ डेम सेल्फ देअर सेल्फ्स ठीक है ये जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं अगर मैं कहता हूँ आय माई सेल्फ फाइन प्रोनाउंस फैसिनेटिंग मैंने यहां पर आय माई सेल्फ मैंने खुद उसने खुद उन्होंने खुद ही तो ये सारे इंटेंसिव हैं क्या हैं ये इंटेंसिव हैं और अगर आप इंटेंसली इनका यूज़ ना करें लेकिन आप सिर्फ माई सेल्फ का यूज़ करते हैं आई माई सेल्फ ऐसे यूज नहीं करते देम सेल्फ यूज़ नहीं करते इसकी पोजिशन बदलते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं ये रिफ्लेक्सिव से मिलते हैं लेकिन ये सेम नहीं है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं सूत्र एकेडमी साइंस ऑफ थैंक यू सो मच थैंक यू